बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ए और बी दो मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं और आपने प्रूव करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और वो है ए बी इनवर्स। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे और फिर हम उसका इन्वर्स लेंगे। ए क्या है जी, 4 0 -1 एंड 2, और बी क्या है -4 -2 1 और -1। तो इसको जनाब मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -16 + 0, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -8 + 0, -1 को -4 से किया +4 और +2, -1 को -2 से किया +2 और -2। ए बी -16 -8 6 0। अब हमने जनाब ए बी का इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स के लिए आपको पता है सबसे पहला स्टेप होता है मॉड लेना, -16 -8 6 0 लेंज, इसको इससे किया 0, -6 को -8 से किया तो -48, 0 + 48 तो ये आ गया 48। अब हमने लेना है उसका जॉइंट, ए बी का एडजॉइंट लेना है। कैसे लेंगे जी, इनकी जगह बदलेंगे 0 और -16 की, तो ये जगह बदल दी, 8 और 6 का साइन बदलेंगे, ये आ गया 8 और ये आ गया -6। अब जनाब मैं फाइंड कर लूँगा ए बी का इनवर्स और वो आएगा 1/48 0 8 -6 or -16। तो अब जनाब हमारा स्टेप और वो है राइट हैंड साइड ले लें, क्या दिया हुआ है जी, बी इनवर्स और ए इनवर्स। बहुत सिंपल है, बी का इनवर्स फाइंड करेंगे, ए का इनवर्स फाइंड करेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें बी का मॉड लेना होगा -4 -2 1 और -1, 4 -1 को -2 से किया तो -2 4 + 2 ये आ गया 6। अब हम ले लेते हैं बी का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा जी, -1 और 4 की जगह बदली और -2 का बन गया +2 और 1 का -1, जैसे एडजॉइंट लेते हैं और बी इनवर्स आ जाएगा 1/6 -1 -1 2 और 4। तो अब जनाब हम फाइंड कर लेते हैं ए इनवर्स, तो उसके लिए हमें ए का सबसे पहले मॉड लेना होगा, वो है 4 0 -1 और 2 जी। जनाब ए का मॉड ले लेते हैं, 4 2 = 8 -0, तो ए का मॉड हमारे पास आ गया 8। अब हमने जनाब एडजॉइंट ऑफ ए लेना इनवर्स फाइंड करने के लिए, साइन बदले जगह बदली 2 4 0 और ये आ गया 1। अब हम फाइंड कर लेते हैं ए का इनवर्स और वो आएगा 1/8 2 0 1 और 4। तो अब हम जनाब अगले स्टेप की तरफ मूव करेंगे, क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/6 -1 2 -1 एंड 4
1/8 2 0 1 4 1/6 1/8 से हुआ तो 1/48। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 2 -1 और 4 इंटू 2 0 1 और 4। तो अब जगह जनाब कम है काफ़ी, तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं जनाब। इधर से हम लिख लेते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स 1/48। मल्टीप्लाई करूंगा जी, -1 ये आएगा -2 +2। सेकंड के साथ -1 को 0 से किया, 0 +8 -2 +4 -1 0 और +16। अब मैं इसको फिर छोटा सा करके लिख लेता हूँ, 0 4 2 में से क्या 2 और ये 8 और ये 16। देखें जी ये बात बनी, 0 8 ए इनवर्स 2 4 की जगह बदली और उसका साइन बदले। ये तो एक जैसा नहीं आ रहा, -6 और -16 -0 +16 जी। यहाँ पे बी का इनवर्स हमने गलत लिखा है, यहाँ पे आना था -4, यहाँ पे भी आना था -4, यहाँ पे भी आना -4। अब थोड़ा इसको कर लेते हैं एडजस्ट, -1 को 2 से किया, -2 +2 0 +8 -2 और यहाँ पे आना था -4 जी। ये रेजर इसीलिए ये बड़ी काम की चीज़ है, तो और इसको भी मैं रेज ही कर लेता हूँ। तो अब हम दोबारा इसकी तरफ जाते हैं, ये देखिए -1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, तो -2 और -4 ये आया 0 और -16। अब फिर हमें रेजर की ज़रूरत पड़ेगी, तो जनाब इसको मैं फिर से, ये ऊपर वाला तो ठीक है, तो ये जो हुआ इसको सेट कर लेते हैं। तो ये जनाब है -2 और -4 -6 -16 जी। अब सेम आंसर आ गया, सो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव हो गया। तो इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी हम लोग, और वो है ए डी और ये फाइंड करना है। अब ज़रा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि जगह का इशू ना हो। तो लेफ्ट हैंड साइड डी ए इनवर्स, तो सबसे पहला काम तो जी डी ए फाइंड करेंगे, डी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, डी 1 -2 2 ये मैंने डी लिखा, अब ए के साथ ए लिखूँगा 4 0 -1 2 जी जना। इसको मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 12 -1 0 +2 फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -8 -2 0 +4। तो अब देखिए डी ए 12 में से 1 गए 11
माइनस टेन टू और फोर। अब हमने डी ए का इन्वर्स लेना है, तो इन्वर्स लेने के लिए हमें सबसे पहले इसका मॉड लेना होगा और वो है एलेवन टू माइनस टेन और फोर, 44 माइनस 20, तो डी ए का मॉड आ गया प्लस 44 प्लस 20 और ये आ गया 64। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ डी ए। डी ए का एडजॉइंट 4 और 11 की जगह चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 4 और 11 और उनकी साइन चेंज करते हैं, डायगनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करते हैं और जो दूसरे हैं उनके साइन चेंज करते हैं। तो अब हम लोग डी ए का इनवर्स फार्मूला डायरेक्ट लिखूंगा, 1/64 4 माइनस 2 एन और लेमन चेंज। इसके साथ ही हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और वो है ए इनवर्स और डी। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए का मॉड लेना होगा, 4 0 माइनस 1 2। तो ए का मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस 0, तो क्या आ गया भाई लोग 8। तो अब लगे आते ही हम लोग डी का भी मॉड ले लेते हैं साथ ही, 3 1 माइनस 2 और 2, 6 माइनस माइनस 2, तो ये भी आ गया हमारे पास 6 माइनस माइनस प्लस 2 8। अब हमने जनाब ए का एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए वो आएगा डायगनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करेंगे, 2 4 और जो बाकी हैं उनके 9। तो साथ ही मैं दोनों को पैरेलल ही चला लेता हूँ, डी का भी एडजॉइंट ले लेता हूँ, डायगनल एलिमेंट्स की जगह बदलेंगे और दूसरों के साइन बदल देंगे। अब हमें पता है ए का इनवर्स क्या आएगा जनाब, 1/8 2 0 1 4। इसी तरह डी का इनवर्स क्या आएगा जनाब, 1/D का मॉड, मॉड है 8 और एडजॉइंट ऑफ डी क्या है, 2 माइनस 1 2 और 3। अब अगला स्टेप है जी, इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1/8 2 0 1 4 1/8 2 माइनस 1 2 और 3, ए इनवर्स और बी इनवर्स। 1/8 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर लो, 1/64 2 0 1 4 और ये क्या आ जाएगा 2 2। जी जनाब 1/64 मल्टीप्लाई करें जी, 2 2 4 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 0। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 1s are 2 प्लस 8, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, इधर लिख लेता हूँ मैं, ए इनवर्स डी इनवर्स 1/64 ये आ गया 4 10 माइनस 2 और 11। देखिए जी यही है 1/64 4 माइनस 2 10 11 और इधर भी वही स्टोरी है 1/64 4 माइनस। तो हम कह सकते हैं डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स
रूट। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।